नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीस्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की। बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनाव के मद्देनजर आरोप प्रत्यारोप का दौर अब शुरू हो गया है। इस कड़ी में कांग्रेस के नेता ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। तो मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है। इस कड़ी में कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार कमलनाथ के आदेशों में अड़ंगा लगाती रहती है। द्विवेदी का कहना है कि जब पिछली बार कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब कमलनाथ की तरफ से 29 जून साल 2019 को 1000 रुपए के स्टैंप ड्यूटी और 100 रुपए पंजीयन शुल्क तय किया गया था, जिससे अधिक से अधिक जनता अपना काम करके अपनी पत्नी बेटी को संपत्ति में अपना भागीदारी बना सके। द्विवेदी ने आरोप लगाया है कि फिर बीजेपी सरकार आई और फिर उसने इस काम में बाधाएं उत्पन्न करना शुरू कर दिया, जिससे इन दस्तावेजों में अब नामांतरण नहीं हो रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, भाजपा के नेता, प्रदेश अध्यक्ष सभी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस वचन पत्र नहीं निभाती। 1.5 साल की हमारी सरकार में आपके पास जो गजट नोटिफिकेशन है, ये 29 जून 2019 का है। इसके बाद में एक पत्र है वित्त सचिव का, जिन्होंने स्पष्ट किया है कि केवल 1100 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी यानी 1000 रुपये की स्टाम्प, 100 रुपये का पंजीयन शुल्क लगेगा। एक पिता अपनी पुत्री को, एक पति अपनी पत्नी को, एक माता अपनी पुत्री को, चाहे जितने करोड़ की संपत्ति हो, केवल इतने रुपए में संपत्ति का। तो बेटे में बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं में नोकझोंक देखने को मिली है। तो इंदौर में बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच नोकझोंक देखने को मिली। दरअसल यहां चंद दिनों बाद मध्य प्रदेश के साथ ही इंदौर शहर में विधानसभा चुनाव के मतदान होने हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल के नेता जनता के बीच पहुंचकर अपने दावे और वादे कर रहे हैं। इस कड़ी में इंदौर प्रेस क्लब स्थित आमने सामने बीजेपी का और कांग्रेस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीजेपी के इंदौर नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे और इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरधीर सिंह चड्ढा आमने सामने हुए, जहाँ कई मुद्दों को लेकर दोनों पार्टी के नेताओं में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। आपने कहा कि हम लोग फलाने से आए, जमीन से आए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता होने के नाते 2 दर्जन बार आंदोलनों में जेल में जाने वाला अगर कोई कार्यकर्ता है तो वो गौरव रणदीप है, उसका भी सर्टिफिकेट देना। ये वीर जी, मेरे सर्टिफिकेट ढूंढते, मेरे पास पार्षद का सर्टिफिकेट है, दाढ़ी निर्वाचन ने दिया था, सफेद हो जाएगी। तुमने जितनी बार जेल नहीं देखी ना, उतनी बार छात्र आंदोलन। बेटे में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की, जहां आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। तो छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। बता दें कि बीजेपी से बागी होकर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए भागीरथी मांझी को पार्टी ने बिंद्रन नवागढ़ विधानसभा से उम्मीदवार बनाया था। अब आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बने भागीरथी मांझी ने नामांकन पत्र वापस ले लिया है। बता दें कि भागीरथी मांझी नामांकन वापस लेने के लिए स्थानीय दिग्गज नेता के साथ पहुंचे थे, तो वहीं उनके इस फैसले से बीजेपी को बड़ी राहत मिली है। इस दौरान भागीरथ मांझी ने कहा कि परिवार में एक बड़े बुजुर्ग का देहांत होने और माता जी की तबीयत खराब होने से और परिवार के निर्णय से उन्होंने अपना नाम चुनाव से वापस लिया है। उन्होंने कहा कि मुझ पर नाम वापसी लेने के लिए कोई राजनीतिक दबाव नहीं। ब्रिटेन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की, जहां चुनाव के मद्देनजर अब प्रचार तेज शुरू हो गया है। इस कड़ी में कांग्रेस नेता चरणदास महंत ने प्रचार किया है। तो शक्ति विधानसभा सीट के प्रत्याशी कांग्रेस के कद्दावर नेता डॉक्टर चरणदास महंत अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान हथनेवरा गाँव पहुंचे। डॉक्टर महंत ने गाँव में घूम घूम कर लोगों से जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सवालों का भी जवाब दिया। आपको बता दें कि डॉक्टर महंत को लेकर वायरल वीडियो में ग्रामीण चुनाव जीतने के बाद 5 साल दर्शन नहीं देने कर को लेकर भड़ास निकाल रहे थे और इसका वीडियो वायरल हुआ था। तो वहीं मनहरण राठौड़ राजा सुरेंद्र बहादुर के बेटे के लिए टिकट मांगने सहित लगातार सामने आ रहे विरोध और नारायण चंदेल के गुड़ाखू वाले बयान के सवाल पर उन्होंने
जवाब दिया है। ये सुनाते हैं क्या कुछ कहा। किसका विरोध सामने आया? बहुत लोगों का वीडियो सामने आया था। मैं जानना चाहता हूँ किसका विरोध सामने आया? राजा साहब का आया था, फिर मनहरण राठौर जी का आया था। ये आपको दिखाने के विरोध है? जी जी, जैसे हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं। ये हमारी चुनावी रणनीति का एक प्रक्रिया है। हमारे विरोधी कोई नहीं है, सब अपने हैं और किसी का कोई विरोध नहीं। अभी चंदेल जी का एक बुढ़ाकू घिसने वाला एक बयान आया, तो उस पर कुछ करना चाहिए? ऐसे गंदे बयानों के बारे में मैं कोई रिएक्शन नहीं दूंगा, क्षमा चाहता हूँ। ईमानदारी की बात यह है, 71 सीट जीते थे पिछले बार। हम लोगों का टारगेट 75 है, 75 पार। और आप लोगों का भी सहयोग मिलेगा तो 75 पार करके दिखाएंगे। ये तो आप शायद कुछ देर से आए होंगे, इसी तरीके का प्यार, इसी तरह का स्नेह हर गांव। तो बेटे बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की, जहां मूलभूत सुविधाएं ना मिलने पर ग्रामीणों ने एक बार फिर से चुनाव बहिष्कार करने का ऐलान किया है। तो गरियाबंद के देवभोग तहसील में 800 की आबादी वाला गांव परेवा पाली इस बार फिर चुनाव बहिष्कार करने के मूड में है। बता दें कि 15 साल पहले ग्रामीण सड़क, पानी, स्कूल जैसी 5 मूलभूत सुविधाओं की मांग पिछले 15 सालों से करते रहे हैं। यहां पहले बीजेपी की सरकार और अब कांग्रेस सरकार की तरफ से मांगों पर की गई अनदेखी से ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसको लेकर ग्रामीणों ने बैठक कर अब दूसरी बार चुनाव बहिष्कार करने का फैसला लिया। साल 2018 के चुनाव का भी ग्रामीण बहिष्कार कर चुके हैं। बता दें कि तब नेताओं ने मांगे पूरी करने का भरोसा दिया था। इस बार गांव के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें नेताओं का प्रवेश निषेध लिखा हुआ है। ग्रामीणों के इस फैसले का समर्थन युवा वर्ग भी कर रहा है, जहां समस्या से तंग आकर अब करीब 50 परिवार ने अब तक गांव छोड़ दिया है। इस दौरान ग्रामीणों का कहना है कि समस्या यथावत रही तो एक दिन पूरा गांव खाली हो जाएगा। हालांकि प्रशासन का तर्क है कि ग्रामीणों की ज्यादातर मांगों को मंजूरी मिल चुकी है और काम भी शुरू हो जाएगा। नेताओं का प्रवेश इसलिए निषेध किया गया है, जो भी नेता वोट मांगने के लिए आते हैं आश्वासन दे देते हैं, लेकिन जो कार्य है उस कार्य को उन लोग ध्यान नहीं देते, अपने स्वार्थ साधने के लिए ही वोट मांगने आते हैं। तो क्या टीस है, क्या मांगे हैं, कब से मांग कर रहे हैं? हम 2015 से माने डायरेक्ट नेता लोगों से 2015 से जुड़े हैं और 2008-09 से ना लोक सुराज, ग्राम सुराज, टोटल जितने भी है सब आवेदन ग्रामीणों ने दिया है, फिर भी हमारी सुनवाई नहीं। क्या मांगे? माने प्रधानमंत्री सड़क और उपभोक्ता भंडार, स्कूल जो अतिरिक्त कक्ष है, एक कक्ष में 50 माने विद्यार्थी है, और नहर की मरम्मत है, पुल पुलिया छोटी मोटी जो है वो भी नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए क्या निर्णय लिए हैं? इसलिए हम चुनाव बहिष्कार के निर्णय लिए हैं और उपभोक्ता भंडार और 2018 और 2019 विधानसभा लोकसभा इसी कारण से हम लोग चुनाव बहिष्कार कर चुके हैं। लोग की मांग है, हमारे गांव से 40 परिवार बाहर पलायन कर चुके हैं। हमारे गांव में कोई सुविधा नहीं होने के वजह से, जैसे कि कोई डिलीवरी पेशेंट ले रहे हैं तो रास्ते में कीचड़ हो जाता है, बरसात में उस पेशेंट को पहुंचाने में बहुत दिक्कत हो जाती है, और दोपहिया वाहन हो या चार पहिया वाहन हो जाने के लिए बहुत असुविधा हो जाता है। और हम शासन से बहुत बार 15 साल से मांग कर चुके हैं कि हमारे रोड घाट का सुविधा हो करके, लेकिन अभी तक की सुविधा ही नहीं हुआ, तो इसलिए हम ग्रामीण। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर एमएसपी पर धान की खरीद शुरू हो गई है। तो छत्तीसगढ़ में एमएसपी पर धान खरीद की शुरुआत हो गई है। इस कड़ी में गरियाबंद जिले के 67 समितियां की तरफ से 90 उपार्जन केंद्रों पर धान खरीदा जा रहा है, जहां धान खरीद के पहले दिन 787 टोकन जारी किए गए। इसके माध्यम से गरियाबंद जिले के किसानों से 24,612 क्विंटल धान की खरीद की जाएगी। वहीं जिले में ओडिशा से आने वाले अवैध धान को रोकने के लिए 30 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट भी बनाए गए। आज 1 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ हो गया है। किसानों के लिए एक बहुत ही खुशी का दिन है, एक महत्वपूर्ण दिन है, और हमारे गरियाबंद जिले में 90 धान उपार्जन केंद्र है। 90 धान उपार्जन केंद्र में लगभग हमारा 75 सेंटर में आज प्रथम दिन धान आया है। हम लोग पूरी तैयारी कर लिए हैं, सभी जगह ड्रेनेज वगैरह की व्यवस्था है, हमाल की व्यवस्था हो चुका है, बारदाना आ गया है, और किसी भी सेंटर में जाएंगे तो हमारा धान खरीदी करते हुए किसान भाई मिलेंगे।
आज से हमारे तो भी खुशी है काबर पहले हमारे बेचल मिलत है ओकर से और व्यवस्था भी तो ठीक ठाक है ऐसी चल रही है यहाँ व्यवस्था है ऐसे कोई गड़बड़ी नहीं आज ज़्यादा किसान नजर नहीं आ रहे हैं यहाँ पे पहले दिन है ना अच्छा लेट से चालू होते होकर कारण पहले दिन किसान और धान कटे भी अभी शुरू नहीं हुए हैं अच्छा मतलब जिखर मन के कट गए हो मन है लावत है बाकी व्यवस्थाएँ ठीक है ठीक है सर कृषक पंजीयन कराए हैं और आज 22 किसानों का टोकन कटा है तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं जांजगीर चांपा की जहां प्रेक्षकों और एसपी की तरफ से स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया गया तो जांजगीर चांपा में 3 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षक डॉक्टर किरण एच कुलकर्णी ने जे गणेशन और पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने संयुक्त रूप से स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में 3 विधानसभा के लिए बनाए गए स्ट्रांग रूम मतगणना कक्ष और सुरक्षा मानकों का भी निरीक्षण किया उन्होंने मतदान सामग्री वितरण मतदान सामग्री वापसी मूवमेंट मतगणना स्थल तक पहुंच मार्ग बिजली सुरक्षा संबंधित यातायात व्यवस्था विधानसभागार आगमन निकासी और पार्किंग व्यवस्था की जानकारी निरीक्षकों ने सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए पृथक पृथक स्ट्रांग रूम मतगणना स्थल निर्वाचन संबंधित सामग्रियों का वितरण और वापसी मतगणना स्ट्रांग रूम की सुरक्षा कार्यों के लिए किए जा रहे तैयारियों का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए तो ब्रिटेन में बात जांजगीर चांपा की ही कर लेते हैं जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस ने एक अवैध शराब की बिक्री करते एक आरोपी को गिरफ्तार किया है तो जांजगीर चांपा जिले सहित क्षेत्र में शराब की अवैध बिक्री थमने का नाम नहीं ले रही है लगातार कार्रवाई करने के बावजूद अवैध शराब की बिक्री धरल्ले चल रही है पुलिस ने इस मामले में अब एक आरोपी को शराब की अवैध बिक्री करते हुए गिरफ्तार किया दरअसल कोतवाली पुलिस को खबर मिली कि बस स्टैंड जांजगीर के पास धुरकोट निवासी रूपचंद राठौड़ देसी और अंग्रेजी शराब बेच रहा है इस मामले की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी और आरोपी को 36 पाव देसी और 7 पौवे अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं बिहार के आरा की जहां मामूली बात को लेकर 2 युवकों में विवाद हुआ जिसमें से एक युवक ने फायरिंग करने की कोशिश की तो आरा में शहर के टाउन थाना क्षेत्र के सदर अस्पताल रोड स्थित न्यू इमरजेंसी गेट के सामने मामूली विवाद को लेकर 2 युवक आपस में भिड़ गए झगड़े के कुछ देर बाद ही एक युवक की तरफ से घर से हथियार लाकर दूसरे युवक पर ताबड़तोड़ 3 फायरिंग की गई लेकिन किसी कारण फायरिंग नहीं हो पाई और दूसरा युवक बाल बाल बच गया तभी दूसरे युवक ने पहले युवक के हथियार के साथ पकड़ लिया और उसके डंडों से पिटाई कर दी जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हुआ जिसके चलते उसका इलाज आरा सदर अस्पताल में कराया सूचना पाकर स्थानीय आरा पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंची और घटनास्थल में से युवक को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया बता दें कि पुलिस ने अब आगे की कार्रवाई करते हुए दूसरे युवक को भी गिरफ्तार कर लिया ब्रिटेन में बात कर लेते हैं आरा पुलिस की जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है तो आरा में आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने बदमाश के पास से एक देसी पिस्टल और गोली बरामद की है गिरफ्तार अपराधी की पहचान पीरो थाना क्षेत्र के गोविंद डेह गाँव निवासी सिकेंद्र कुमार के रूप में हुई है तो वहीं पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई उपलब्धियों के लिए बुलाई गई है एक मामला पीरो थाना अंतर्गत है और दूसरा मामला गढ़नी थाना अंतर्गत है पहला मामला पीरो का है जिसमें एक अपराधी का इब्राहिमपुर में सूचना मिली थी कि हथियार के साथ वो घूम रहा है और किसी घटना को अंजाम देगा और उक्त सूचना प्राप्त होते ही थानाध्यक्ष पीरो तुरंत अपने पुलिस बल के साथ कार्रवाई करते हैं और उक्त अपराधकर्मी जिसका नाम है सिकेंद्र कुमार पिता वीरेंद्र सिंह ये गोविंद जी पीरो थाना का रहने वाला है इसको गिरफ्तार किया गया और इसके पास से एक देसी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया और इसका आपराधिक इतिहास भी पता किया जा रहा है कि पूर्व में इसका आपराधिक इतिहास है कि नहीं और आसपास के थानों तो ब्रिटेन के आखिरी में बात आरा की कर लेते हैं जहां आरा में भैंस चुरा कर भाग रहे बदमाशों ने एक महिला पर फायरिंग कर दी तो बिहार के भोजपुर में भैंस चोरी के दौरान एक महिला को बदमाशों ने गोली मार दी दरअसल भैंस चुरा रहे बदमाशों को महिला ने देख लिया
और इसका विरोध करने लगी। इसी दौरान अपराधियों ने महिला पर गोली चला दी। गोली लगने से महिला पूरी तरह से जख्मी हो गई, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये घटना धनगाई थाना क्षेत्र के सोनवर्ष गांव की है, जहां पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। तो वहीं पुलिस बदमाशों को गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गई। ए बबुआ गाड़ी पर आला हूँ सब पिकअप पर। हाँ भैंस रही है अंदर बांधल पिकअप में। ना ना हमारा अगना में। अच्छा अब भैंसिया के भूलिया खोल दे ला सब आ खोल के और भैंस का पिना बोल सब बबुआ मार ही खाती है आ जब भैंसिया खोल ला सब तो भैंसिया रगड़े लगल है कहीं के आवाज आई है तो कहीं जो कि एक दिन तक बाबू कि देखी ना भैंसिया खुल गई है का कि और रगड़ दिए तो निकल तो कहता सकी मारू 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 तो एगो फायरिंग पहले कैले रहें आ तल फेन बोलहन उन्हें एगो कैला हँस आ हम गाना निकल बस घर से हमारा मार मारू 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 आगे ढेर रहा हँस एगो अबू ढेर खोल। आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।